हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तैबा की रसोई। फ्रेंड, आज मैं पास्ता विद मैगी बनाने वाली हूँ, बहुत आसान तरीके से, जो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत है। एक बाउल तो इसके लिए बॉयल पास्ता लेना है हमें। पास्ता को गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के ऊपर से बॉईल कर लेंगे और फिर उसे निकाल लेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ऑयल आप डोसा भी पसंद करते हो वो यूज़ करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा लेंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 शिमला मिर्च और 2 टमाटर। इसको अच्छे से छोटा छोटा कट कर लेंगे और 1/2 नींबू ऊपर से छिड़कने के लिए, उसे टेस्ट अच्छा आता है। और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, और 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला। अगर सारा सामान बनाने के लिए तैयार है, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई ली, उसमें आप तेल डालें जो भी आप यूज़ करते हो। मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ किया है। उसमें ज़ीरा और प्याज डाली, शिमला मिर्च डाल दी और अब टमाटर डाल दिए। अब इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। आप चाहें तो इसे रुक रुक के भी डाल सकते हैं, मैंने सब चीज़ें साथ में डाली हैं, थोड़ा जल्दी बनने के चक्कर में। और इसको अच्छे से चलाते रहें ताकि सब चीज़ें थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, पक जाए अच्छे से। मैंने यहाँ पर 1 पैकेट मैगी का यूज़ किया है, छोटा वाला। मैगी डाल के मैगी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज वगैरह में, सब चीज़ों में। देखिए, अच्छे से मिला लीजिएगा। अब ये सारे मसाले डाल दिए, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक और चाट मसाला। फिर उसको मिलाएं, अच्छे से मिक्स करें ताकि वो पक भी जाए और अच्छे से सब चीज़ों में मिक्स हो जाए। तो हमने अब जो हमने ये बॉयल पास्ता करके रखा है, इस पास्ता को इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। ये बॉयल पास्ता तभी डालेंगे जब शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर जो हमने डाले थे वो अच्छे से जब पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम पास्ता डालेंगे। और अब ऊपर से नींबू छिड़क देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये अब हमारी तैयार है पास्ता विद मैगी। फ्रेंड, ये बहुत इजी है और बहुत आसानी से बना सकते हैं। मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स आते हैं, मैं यही बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अब अगली बार मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, तैबा की रसोई को। चलिए, अगली बार मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।